प्रोग्राम ते किस तरह की रूपरेखा वो इन्हां यूनियन ने तय करनी है। मेरा तो जिहड़ा बेसिक मंतव्य है कि जिहड़ा ये मार्च है ये बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए, जाबते की उलंघना नहीं होनी चाहिए और कोशिश करन जिहड़े साडे नौजवान है ट्रैक्टरां ते डैक ना लाउण, आपां शांति मार्च करिए और किसी भी किस्म की कोई भी छोटी जी शरारत इस अंदोलन नूं खत्म कर दूगी, बदनाम कर दूगी। सो हाथ जोड़ के सारे नूं बेनती है कि आपां जाबते चलना है और कोई भी किसी भी तरह कानून हाथ च नहीं लेना, किसी नौजवान ने कोई हड़दंग नहीं मचाउणा। जिहड़ी लेन सानूं मिल गई खब्बे हाथ उहदे च असीं तुरदे जाणा ते अपना चक्कर कट के वापस अपनी जगह ते आ जाणा। सति श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। रविंद्र यादव जी कल के प्रोग्राम के बारे में आपके सामने रखेंगे, बड़ा प्रोग्राम है, जो कुछ उसमें से बचेगा बाकी साथी भी रखेंगे और इनके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की घोषणा हम करेंगे। पिछले 70 साल से गण बेचारा दब गया, तंत्र उसके ऊपर खड़ा हो गया, अब गण जाएगा तंत्र को अपनी आवाज सुनाएगा। जब 2 जनवरी को हमने इस प्रोग्राम की घोषणा की थी किसी को यकीन नहीं था कि ये होगा। हमने 2 जनवरी को बोला था 26 जनवरी को करेंगे, अपने वाहन ट्रैक्टर पे करेंगे और दिल्ली के अंदर घुस के करेंगे और आज आप देख रहे हैं ये सब चीजें हो रही हैं और सरकार को इन तमाम चीजों पे हामी भरनी पड़ी है। इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। जिस तरह से जनता ने, किसानों ने इस बार रेस्पॉन्ड किया है और जो रेस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है, मेरे साथी उसके बारे में बताएंगे, उसकी वजह से है। मैं आपको फॉर्मली ऑफिशियली संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताना चाहता हूं कि कल 9 जगह से परेड होगी। आपने ठीक सुना, 9 जगह से कल किसान गणतंत्र परेड होगी। इसमें से 2-3 हम सबके दिमाग में रहते हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। इसका नक्शा भी अखबारों में छप गया तो सबको लगता है 3 जगह से होगी। दिल्ली बॉर्डर पे 2 और जगह हैं, एक धासा बॉर्डर और दूसरा चिल्ला बॉर्डर, तो ये हो गए 5 जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उसके अलावा 4 और जगह हो रहा है जो कि शाहजहांपुर के बारे में पता नहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफर्म कर दूं, शाहजहांपुर से कल प्रॉपर रिपब्लिक डे परेड चलेगी और शाहजहांपुर वालों का प्रोग्राम है कि वो कम से कम 20-25 राज्यों की झांकी निकालेंगे उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं पंजाब हरियाणा का। शाहजहांपुर के नजदीक मसानी बराज पे हमारे कई साथी बैठे हैं, वो भी परेड करेंगे, उनके लिए रूट बना है बिल्कुल। इसके अलावा पलवल से हमारे साथी बदरपुर तक आएंगे, उनके लिए अलग रूट बन गया है और हरियाणा का नूह जिला जो है मसानी, उसके पास सुनेड़ा बॉर्डर है, सुनेड़ा बॉर्डर से भी लोग आएंगे और वो अपने जिले के अंदर करेंगे। तो कुल 9 जगह पे कल ये रिपब्लिक डे परेड होगी। हमने एक और बात कल कही, पिछली शुरू में 2 तारीख को कही थी कि जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और मुझे विश्वास है कल जो आप देखेंगे ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो रही है, शांतिपूर्ण होगा और इस देश में रिपब्लिक डे की इज्जत बढ़ेगी, रिपब्लिक में पब्लिक अपने रिपब्लिक को क्लेम करने आएगी। शुक्रिया, बाकी मेरे साथी हिदायतें और सब चीजें बताएंगे। साथियों, मैं इसके साथ इतना जोड़ना चाहता हूं कि कल देश के बाकी हिस्सों में जैसे बॉम्बे है, बेंगलोर है, ऐसे ही दूसरे प्रांतों के कैपिटल्स में या बड़े शहरों में ये रिपब्लिक परेड बड़े पैमाने पर होने जा रही है, एक बात। नेक्स्ट बात यह है कि जैसे बड़े पैमाने पर 150,000 से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए हैं, यूथ आया है बहुत बड़े पैमाने पर, तो हमने ये चीजों को देखते हुए जितना रिस्पांस आ रहा है, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम अभी अनाउंस करने जा रहा हूं, वो ये है कि हम
जब पार्लियामेंट सेशन बैठने जा रहा है उस सेशन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, लेकिन एक तारीख सोमवार को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे, बजट उस दिन पेश किया जाएगा और इसके अलावा पूरी तैयारियों से पूरे देश के जो लोग हैं वो जैसे ट्रैक्टर लेके आए हैं यहाँ रुकेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे, और भी लोग आएंगे और बड़े पैमाने पर जनता इसकी जो नीति क्रीति है बहुत डिटेल्स है, वो कैसे जाना है, किधर को जाना है, ये सब जो चीजें हैं ये हम तय करेंगे आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में 26 परेड के बाद, क्योंकि 26 की परेड भी जो है ये परेड 26 को खत्म नहीं होगी, ये लगता है जितने ट्रैक्टर हैं ये 26 से शुरू होकर 27 रात पूरी चलेगी, फिर 28 को हम फ्री होंगे, उसमें हम पूरा ये चीज को तय करेंगे। और ये प्रोग्राम के साथ मैं बलबीर सिंह राजेवाल जी को अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात रखें पूरे आंदोलन के बारे में। देखिए ये आंदोलन दरअसल जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी हुए ये तीनों कानूनों के उससे पहले से ही चल रहा है, तैयारी उससे पहले से ही हो रही है। और इस आंदोलन की खासियत ये रही रहेगा, मेरी किसान भाइयों से अपने नौजवान बच्चों से अपील है कि वो इसको आंदोलन को सही ढंग से पीसफुल रह के इसकी सफलता के लिए काम करें। सरकार की तरफ से बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सरकार की एजेंसीज लोगों को गुमराह करने का काम एजेंसी ने शुरू कर रखा है, उससे चौकस रहें, क्योंकि स्पष्ट बात है समझने की सभी को कि पीसफुल रहेंगे तो हम जीतेंगे, अगर वायलेंट हुए तो मोदी जीतेगा। हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है, हम डिटरमिंड हैं कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे, इसलिए सभी से अपील है कि कल जब शुरू होगा ये किसान परेड, और ये भी इत्तेफाक है कि आजादी के बाद जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया या उसमें ट्रैक्टरों से परेड की गई या उसके बाद कल हम ट्रैक्टरों की किसानों की परेड किसानों के साथ परेड करेंगे, ये दुनिया का अपने आप में यूनिक फंक्शन होगा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सही मायनों में गणतंत्र दिवस कल लोग मनाएंगे। आज तक जिस तरह हमारे संविधान से पॉलिटिकल लीडर से खिलवाड़ किया, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स करके कभी टाडा बना दिया, कभी यूएपीए बना दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, उस सबको ठीक कराने की हमारी मांग भी रहेगी, क्योंकि उसी संविधान में ये नए तीन कानून लाकर सिर्फ किसान को नहीं टोटल पॉपुलेशन को इन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। 2 महीने कल हमें यहाँ बैठे हुए हो जाएंगे और इसके बाद ये आंदोलन जारी रहेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है 1 फरवरी को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और उसकी डिटेल्स 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे, और वहीं नहीं बात खत्म होगी, 1 फरवरी से आगे भी आंदोलन चलता रहेगा, उसके भी जो प्रोग्राम है बार बार समय समय पर हम डिक्लेयर करते रहेंगे। और ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानती ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को अपील है कि पूरा राउंड लगा के अपने अपने रूट पे वो घर नहीं जाएंगे, ये जितने ट्रैक्टर्स आए हैं जितने किसान आए हैं ये यहीं बैठ जाएंगे, उनके लिए व्यवस्था कुछ KMP के ऊपर की गई है, कुछ इधर उधर की गई है, कोई किसान
वापस ना पंजाब को, ना हरियाणा को, यूपी को, राजस्थान को, उत्तराखंड को, जो किसान आ रहे हैं वो वापस नहीं जाएंगे। सभी प्रदेशों से जो बसों से पैदल जो जत्थे आए हैं, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और दूसरे राज्यों से, वो भी इस आंदोलन में लगातार यहाँ हाजिर रहेंगे और ये जारी रहेगा। बाकी देश से और जत्थे आ रहे हैं और ये सरकार को कल पता चल जाएगा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन सारे देश का है। और कल बॉम्बे में जो हुआ वो सरकार के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए और कल बेंगलोर में ऐसे ही एक बॉडी बहुत चल रहे हैं, ये देश सारे देश में आंदोलन फैल गया है। अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अपनी गलती सुधार के सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती। धन्यवाद। जगमोहन सिंह जी जो हमारे ये पूरा मैनेजमेंट जो है कल का, इस कमेटी के इंचार्ज हैं वो रखेंगे। उससे पहले मैं इतनी बात जोड़ दूं कि कॉल संयुक्त किसान मोर्चे का ये भी है कि दुनिया में जहां भी देशवासी बैठे हैं, भारत के लोग, पंजाब के लोग, वो भी इस गणतंत्र दिवस को ऑब्जर्व करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की ये भी बात है। एक बात और स्पष्ट करनी रह गई, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इस आंदोलन में हमेशा ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है, अगर गड़बड़ी होगी तो सरकार कर सकती है, हमारी तरफ से कोई नहीं होगी। आपने देखा हमने आपके सामने एक लड़का पेश किया जो पुलिस को सौंपा गया जिसने सनसनीखेज खुलासे किए। उसके बाद परसों चौथ एक गाड़ी पुलिस की वर्दियों की, वो भी पुलिस को पकड़ाई। और कल टीकरी बॉर्डर में वहां पे एक लड़का, उसके पास रिवॉल्वर था और एक और था उसके साथ, वो भाग गया। वो कल रात को 2 बजे वो भी पुलिस को पकड़ाया। पुलिस की एजेंसीज इस आंदोलन का नुकसान करने के लिए बहुत सरगर्मी से काम कर रही हैं। हमारी सरकार से अपील है, ये किसान है, ये आपके पॉलिटिकल विरोधी नहीं, ऐसी गलती मत करना ताकि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़े। हम पीसफुल रहेंगे, पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। धन्यवाद। जगमोहन सिंह जी, सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, यानी मैनेजमेंट 26 जनवरी का की प्रोग्राम सुन लिया, 26 तो अगे की ऐलान वो भी सुन लिया। थोड़ा मैनेजमेंट असि कीती है कि लम्मा चौड़ा प्रोग्राम है, कई मार्च होने ने, 2 मार्च तो डिकलेयर ही हो गए, 26 का जो 2-3 दिन यह चलूगा, बाकी पार्लीमेंट ना 1 फरवरी का। इस करके असं सब तो पहला तो जिहड़ियां सारियां जथेबंदियां ने उन सारी सभी जथेबंदियों के यानी होंगे वलंटियर, लेकिन सेंट्रली हमने 3000 वलंटियर है जो जैकेट वाले होंगे, उनमें से 50% 1500 15% यानी ट्रैफिको कंट्रोल का ट्रैफिको, दूसरा पर्सनल सिक्योरिटी की ड्यूटी। दूसरी बात यह है कि जो 6-7 कमेटी बनी है, जैसे लंगर कमेटी है, पैक फूड कहाँ कहाँ देना, किस किस स्पॉट पर देना है, उसके लिए एक पूरी कमेटी बनी है। इसके अलावा यानी प्रेस के लिए प्रेस रिपोर्ट्स देना है, कहाँ कहाँ देना है, और जो कैसे चलना है उसमें एक मोटा है कि सभी जगह से सबसे आगे लीडरशिप होगी, बीच बीच में अनाउंसमेंट के लिए गाड़ियाँ होंगी, प्रेस के लिए भी जहाँ से यानी 2 गाड़ियों और बॉर्डरों पर भी प्रेस के लिए भी हमने गाड़ियाँ अरेंजमेंट की है। हमारी गाड़ी में भी प्रेस से बैठ सकते हैं अगर अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। तो पानी का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ होगा, और कुछ लोगों दिल्ली की कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ यानी कंटेक्ट संपर्क किया था, उन्होंने बोला कि हम आपका वेलकम करना चाहते हैं, वो वेलकम पॉइंट बना दिए गए हैं, कई जगह फूल बरसाना चाहते हैं हमारी इस किसान परेड पर, उनका धन्यवाद भी करते हैं, ऐसा उन्होंने हमारे प्रपोजल दिया है, अगर कल को इम्प्लीमेंट होएगा तो ये है कि ऐसा आपने बनाया, इसको सुंदर भी लगे, वेल डिसिप्लिन्ड भी हो, कम से कम 100 यानी 100 एम्बुलेंस होगी हमारी ऑर्गेनाइज की तरफ से, और इसमें बीच में आने देना, प्लीज हमारे ही वॉलंटियर रहेंगे,
पुलिस ने आगे पीछे के जाना है तो जाए, लेकिन हमारी परेड में नहीं आएगी। सौ से ऊपर ट्रैक्टर पेयर का भी हमारा अपना अरेंजमेंट होगा। पेट्रोल का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ में अगर पेट्रोल डीजल का यानी डीजल किसी का खत्म हो जाए तो उसको वहाँ ही जाकर टैंकर वगैरह पाए, इसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा। मोटा मोटा ये राम सिंह जी, सभी प्रेस वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, वैसे तो सब कुछ बता ही दिया है। जो ये परेड है, ये मेरे ख्याल से दुनिया की आज तक का जो इतिहास है उसकी सबसे बड़ी ट्रैक्टर परेड होगी। इतने ट्रैक्टर शायद ही किसी आंदोलन में या किसी उसमें शामिल हुए हों। और इस आंदोलन को आगे के बढ़ाने के लिए जो हमारे भाई आ रहे हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि वो वापिस ना जाएं। वो जो KMP रोड है उस पे खड़े या सोनीपत जो रोड है उस पे खड़े, और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए जो एक तरीक का प्रोग्राम रखा है सांसद कूच का, वो क्योंकि 30-31 की छुट्टी आ गई है और 1 तारीख को वो प्रोग्राम है, तो 1 तारीख को हम यहाँ से पैदल बिना साधन के पैदल सांसद कूच के लिए यहाँ से चलेंगे। और हम अपील करना चाहेंगे आप सभी के माध्यम से कि इस सब को शांतिपूर्वक रखना है, और सभी जो किसान हैं आने वाले जो भी इसमें शामिल होंगे वो सभी सेवादार हैं, सभी सेवादार हैं। अगर कोई गलत आदमी उनको बीच में नजर आए तो वो खुद ही उस पर नजर रखे, और कोई भाई इसके दाएं बाएं अपने अपनी मर्जी से कहीं ना जाए। जहां से भी ट्रैक्टर परेड का रास्ता तय किया गया है, अनुरोध है सबसे वहीं पर रहे, क्योंकि हो सकता है कई लोग और शायद कुछ लोगों के मन में ये भावना हो कि रास्ता ठीक नहीं मिला है, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता मिला, उस पे काफी कश्मकश भी हुई है, उनकी भावना के मुताबिक हो सकता है वो रिंग रोड मांग रहे थे, लेकिन उस पे कई तरह की दिक्कतें थी, क्योंकि सारी बात जो पुलिस की होती है उनकी भी देखनी पड़ती है, उनकी समस्याएं भी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है। तो काफी सोच समझ के फैसला लिया गया है कि चलो ये ठीक है, और सभी ट्रैक्टरों को कोशिश करेंगे कि सभी ट्रैक्टर परेड में शामिल हो जाए, कुछ 26 को हो जाए, बाकी बचे तो 27 को हो जाए, और बाकी बचेंगे 26 और 27 को भी पूरे नहीं आ पाएंगे तो फिर और आगे देखेंगे। तो ये प्रोग्राम सारा शांतिपूर्वक रहेगा। थैंक यू।